Second part is 1 minus 10 square 45 degree divide by 1 plus 10 square 45 degree. और इसके फोर ऑप्शन हैं. ऑप्शन ए इज 10 90 डिग्री, बी इज 1, सी इज साइन 45 डिग्री एंड लास्ट डी इज 0. तो हमें इसमें चेक करना है कि इस सेकंड पार्ट के लिए इन चार ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन है. तो इस क्वेश्चन के लिए हमें 10 45 डिग्री की वैल्यू टेबल से चेक करनी है. पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं. 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री. 10 45 की वैल्यू सबसे आसान है, जो इजीली याद हो जाती है. 10 45 डिग्री इज 1. 10 45 और cot 45 दोनों की वैल्यू 1 होती है. तो 10 45 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे. 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1 ही, तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1. तो न्यूमरेटर हो गया 0 बाय 2. और 0 में किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0 है. दिस इम्प्लाइज आंसर इज 0. तो इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन डी इज रॉन्ग. तो ऑप्शन डी इज आर आंसर. ऑप्शन डी इज आर राइट आंसर. थर्ड पार्ट इज साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू. तो यहाँ पे आपको बताना है कि a की वैल्यू इन चार ऑप्शन में से क्या है. क्या वो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री या 60 डिग्री है. तो यहाँ पे अगर हम इन वैल्यू को पुट करके देखते हैं, अगर हम यहाँ पे 30 पुट करते हैं a की जगह पे, तो ये 60 हो जाएगा और ये 30. और हमें पता है कि 60 और 30 की वैल्यू सेम नहीं है. सेम ऐसे ही जैसे 45 को पुट करोगे तो यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा और यहाँ पे साइन 45 हो जाएगा. तो ये भी मीन्स कि ये थ्री वैल्यू, 60 पुट करेंगे तो ये 120 होगा और ये 60 होगा. तो ये थ्री वैल्यू इसके लिए सुटेबल नहीं है. अब यहाँ पे देखिए, हम 0 पुट कर दें तो साइन 2 इंटू 0 0 और साइन 0. तो इस वैल्यू के लिए ये सेम रहेगा. और अगर टेबल से देखें तो साइन 0 होता है 0. तो यहाँ पे सिर्फ ए की फर्स्ट यू 0 डिग्री वैल्यू पे ये लेफ्ट इक्वल टू राइट होगा. तो साइन यहाँ पे अगर हम ए 0 पुट कर दें तो साइन 0 0 और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0. तो लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाएगा. तो इसके लिए ऑप्शन ए राइट है. साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0. तो ये हो गया साइन 2 इंटू 0 0 2 इंटू साइन 0. और साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 इक्वल टू 0. तो सिर्फ ए की 0 डिग्री वैल्यू पे ही ये लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आती है. फोर्थ पार्ट इज 2 10 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री. और उसकी चार ऑप्शन है cos 60, sin 60, tan 60 एंड none ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फोर्थ पार्ट सेम है. जैसे हमने फर्स्ट को सॉल्व किया वैसे ही फोर्थ को भी सॉल्व करना है. सिर्फ साइन का डिफरेंस है. वहां पे डिनोमिनेटर में प्लस साइन था और यहाँ पे माइनस साइन है. तो 10 30 की वैल्यू होती है 1 बाय, टेबल से हम देखेंगे तो 10 30 डिग्रीज 1 बाय रूट 3. तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे. 2 इंटू 1 बाय रूट 3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 बाय रूट 3 होल स्क्वायर. नाउ अब हम मल्टीपल को सॉल्व कर लेते हैं. न्यूमरेटर में 2 इंटू 1 इज 2 बाय डिवाइड बाय रूट 3. डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3. नाउ न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे तो 3 और इसके डिनोमिनेटर में 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे. तो 3 और 1 का एलसीएम 3. तो डिनोमिनेटर में एलसीएम 3 हो गया तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1. नाउ 2 बाय रूट 3 और डिनोमिनेटर में 3 माइनस 1 2 बाय 3. नाउ इस मल्टीपल डिवाइड के साइन को हमें मल्टीपल में चेंज करना है. तो न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का रिवर्स हो जाएगा. जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर. 2 से 2 कैंसिल. सेम हम 3 को रूट 3 इंटू
रूट थ्री लिखेंगे, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री डिवाइड बाय रूट थ्री। थ्री को हमने दो अलग अलग नंबर में लिख दिया, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, आंसर इज रूट थ्री। बट हमें आंसर डिग्री की फॉर्म में चाहिए, तो हमें ये चेक करना है कि इन तीनों में से रूट थ्री किसकी वैल्यू थी। हम टेबल से चेक करते हैं, तो यहाँ पे कॉस 60 होता है 1/2 जो कि रूट थ्री नहीं है, साइन 60 रूट थ्री बाय टू ये भी हमारा आंसर नहीं है, टेन सिक्सटी इज रूट थ्री, तो रूट थ्री का आंसर हम लिखेंगे डिग्री की फॉर्म में 1060 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज आवर आंसर। आई होप आपको ये सेकेंड पार्ट पूरा समझ में आया होगा।